दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को 26 फरवरी को एक साल पूरा हो गया। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर गए। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं ने मनीष सिसोदिया को याद करते हुए सलाम भी किया। इस दौरान तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर मनीष सिसोदिया का सपोर्ट किया। अब मनीष सिसोदिया की पत्नी ने एक भावुक पोस्ट शेयर की है। आपको बता दें 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने पेरोल पर बाहर आए थे, जिसके बाद सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज 26 फरवरी को मनीष पेरोल पर मुझसे मिलने आए। ठीक एक साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस एक साल में हमें और हमारे परिवार को सपोर्ट, सम्मान, स्नेह, प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि सत्य की जीत होगी। आपको बता दें सीमा सिसोदिया ने इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें मनीष सिसोदिया हंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये तस्वीर इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि एक साल पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके ठीक एक महीने बाद जेल से ही मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में मनीष सिसोदिया दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए कई बार याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो जाती है। इसके चलते सिसोदिया एक साल से न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।